बारा तासात मुख्यमंत्री पदाचं उद्या चित्र स्पष्ट होईल, म्हणजे निकाल लागल्यानंतर काय नेमकं आहे बाबा? नाही नाही, निकाल कल रिझल्ट आने के बाद हम लोग 12 घंटे के अंदर में सीएम का फेस महाविकास आघाड़ी महाराष्ट्र के सामने रखेगा। उद्धव जी कुटुंब प्रमुख करके बोले हैं, उसके बारे में क्या कहना है? नहीं, वो देखिए महाविकास आघाड़ी में जो हम लोग दो तीन पार्टियां हैं, तीन पार्टी के जैसे कि शरद पवार साहब है, हमारे खड़गे साहब है, उनके उद्धव जी ठाकरे साहब है, ये हमारे कुटुंब प्रमुख ही है। ये तीनों को हम कुटुंब प्रमुख के नाते देखते हैं और जो कुटुंब प्रमुख होते वो मिलकर इसका उस पार्टी के प्रमुख जो है वो मिलकर ये निर्णय लेंगे। इसमें कोई दोरा नहीं और कोई मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई सवाल ही नहीं आता। कुछ एक दूसरे के ऊपर हम लोग बात करें, चर्चा करें, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम साथ में मिलकर महाविकास, हमारा उद्दिष्ट यही है, हमारा ध्येय यह है कि ये अनैतिक सरकार को, ये महाराष्ट्र के स्वाभिमान को बेचने वाली सरकार को, ये करप्ट सरकार को सत्ता से हटाए, यही हमारा उद्देश्य है। हमें पद से ज़्यादा महाराष्ट्र की ज़्यादा चिंता है और महाराष्ट्र की चिंता के लिए, महाराष्ट्र के कल के भविष्य के लिए, महाराष्ट्र के किसान, महिलाएं, रोजगार, बेरोजगार कोई भविष्य के लिए हमें काम करना है। हमें कोई पद से ज़्यादा महाराष्ट्र की आज की स्थिति को बदलने की आवश्यकता है, इसका हमारा पूरा जोर है। उद्धव ठाकरे के बुरे वक्त में आप लोगों ने साथ दिया था, क्या उद्धव ठाकरे को गठबंधन धर्म का पालन करना चाहिए? आप देखिए, ये गठबंधन का ही पालन है। जब हमें बहुत सारे लोगों ने अपना यही सोच थी कि पार्लियामेंट में इनकी अलायंस नहीं होगी, अलायंस हुआ। अभी भी कुछ लोगों की ये समझ थी, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे कि इनका अलायंस नहीं होगा, अलायंस हुआ, सीट शेयरिंग हुई, साथ में लड़े, इक्का दुक्का कहीं हुआ, इतने सारे जगहों में होता है तब, पर फिर भी कोई टकराव की भाषा नहीं आई। अरे घर में तो बर्तन को बर्तन लगता है, ये भी आवाज़ जोर से नहीं आई। इतना अच्छी तरह से हमने गठबंधन को मजबूती से आगे बढ़ाया और हमने रिजल्ट आज कल आपको शाम को दिखेगा। हे आहे देशातील नंबर वन न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।